तो फ्रेंड्स कैसे पता करें कि हमारा बच्चा पूरी तरह से फीड ले पा रहा है, उसको पर्याप्त फीड मिल पा रहा है और उसका पेट पूरी तरह भरा हुआ है? तो इसका सबसे पहला और बहुत ही सिंपल सा साइन ये होता है कि अगर आपका बच्चा 6 बार या 6 बार से ज़्यादा सुसु जा रहा है या पी कर रहा है या यूरिन पास कर रहा है, इसका मतलब आपके बच्चे को प्रॉपर फीड मिल पा रहा है। जी हाँ, अगर बच्चा 6 से 7 बार 8 बार से ज़्यादा बार पी कर रहा है, यानी कि 10 बार 12 बार, कई बच्चों में तो 18-18 बार तक 24 घंटे में सुसु करने की देखी गई है, तो दूसरा साइन ये है कि क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो तो नहीं रहा है। यानी कि अगर बच्चा आपका 6-7 बार भी पी कर रहा है, इसके अलावा बच्चा बहुत रो रहा है, तो फ्रेंड्स मैंने एक सेपरेट वीडियो किया था जिसमें मैंने बच्चे के, छोटे बच्चे के रोने के बहुत सारे साइन बताए थे, यानी कि बहुत सारे कारण बताए थे, जिसका लिंक भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। कई बार बच्चों को 10-10 12-12 बार सूस हो जाते हैं, उसके बाद भी रोते हैं, इसका मतलब उनका पेट तो भर रहा है लेकिन वो रो के रहे, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन हाँ, बच्चों 6 महीने से छोटे बच्चा ज़्यादा रो रहा है तो उसका एक कारण भूखा रहना भी हो सकता है। तो अगर बच्चा कम पी कर रहा है, यानी कि 6-7 बार से कम सूसू जा रहा है और बहुत रो रहा है, इसका मतलब आपके बच्चे का पेट भरा हुआ नहीं है और उसको और ज़्यादा फीड या दूध या फॉर्मूले मिल्क की आवश्यकता है। ये हो गया साइन नंबर 2। तो फ्रेंड्स इसके अलावा हम और कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का पेट पूरी तरह भरा हुआ है या नहीं? इसका तीसरा साइन ये होता है, क्या आपके बच्चे का वजन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है? जी हाँ, जैसा कि डॉक्टर भी हमें बताते हैं कि हर 1 महीने में बच्चे का, जब छोटा बच्चा होता है 6 महीने से छोटा, तो ऐसा कहते हैं कि 500 ग्राम वजन 1 महीने में बढ़ ही जाता है छोटे बच्चे का। तो आपके बच्चे का आज 1 महीने पहले भी वही वेट था, 6 महीने से छोटा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल चार महीने के बच्चे का वेट सेम था, 5 का सेम है, 5.5 महीने का भी नहीं बढ़ रहा है, उल्टा कम और पड़ जाता है कई बच्चों का। इसका मतलब आपके बच्चे को उचित मात्रा में फीड नहीं मिल पा रहा है, यानी कि पर्याप्त स्तनपान या पर्याप्त फॉर्मूला नहीं मिल पा रहा है, बच्चे का पेट भरा नहीं है, इसलिए बच्चे का वेट कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है। हाँ, अगर बच्चे का वजन कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, यानी कि 500 ग्राम तो नहीं बढ़े, लेकिन कई बच्चों का थोड़ा ज़्यादा भी बढ़ जाता है, थोड़ा कम बढ़ जाता है, लेकिन उनका लगातार वेट बढ़ता रहता है, इसका मतलब आपके बच्चे का पेट पूरी तरह से भरता है या भर रहा है। इसके अलावा और क्या क्या साइन हो सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि बच्चे का पेट भरा है या नहीं? बच्चा बहुत कम सो रहा है, कई बच्चे कम सोते हैं, रोते हैं या इरिटेट होते हैं, आपने गोद में ले लिया, बच्चा उतना रो नहीं रहा लेकिन एक्टिविटीज़ कम कर रहा है, यानी कि रो भी नहीं रहा लेकिन वो बहुत ही जैसे बच्चा सो नहीं रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो इसका मतलब भी हो सकता है कि हो सकता है आपके बच्चे का पूरी तरह से पेट नहीं भरा हो। इसके अलावा क्या होता है, कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा पीला सूसू कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा गाढ़ा पीला कर रहे हैं, या बच्चे का सूसू का रंग रेडिश यानी कि लाल सा हो रहा है, या फिर पिंक कलर का सूसू हो रहा है, इस तरह के बच्चे का रंग सूसू का रंग हो रहा है, इसका मतलब बच्चे को प्रॉपर मात्रा में फीड नहीं मिल पा रहा है, उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है और बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है, एक साइन इसका ये हो सकता है। इसके अलावा अगर बच्चा पूरी तरह से रात में अच्छे से सो पा रहा है, इसका मतलब आपके बच्चे का पेट पूरी तरह से भरा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे साइन होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे का पेट भर पा रहा है या नहीं। इसके अलावा और कैसे पता कर सकते हैं, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा आपका छोटा बच्चा, तो जनरली होता ये है कि बच्चा रात को बार बार उठता है, फीड करता है, सो जाता है, यानी कि 24 घंटे में 10 से 12 बार अगर आपका बच्चा फीड कर रहा है और वो सो भी आराम से रहा है, बहुत ज़्यादा रो भी नहीं रहा है और बच्चा एक्टिव भी है, यानी कि बच्चा थोड़ा बहुत 6-1 महीने के बच्चे होते हैं वो करवट लेने भी लग जाते हैं, यानी कि क्रॉल करने लग जाते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है बच्चा, इसका मतलब पेट भरा हुआ है। लेकिन हाँ, बच्चा 24 घंटे में 10 से 12 बार फीड नहीं ले रहा है, इसका मतलब बच्चे का पेट पूरी तरह से भरा नहीं है। इसके अलावा कुछ एक साइन, जैसे कि बच्चा रात को 5-5, 6-6 घंटे तक फीड के लिए नहीं उठ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत है। आपके जैसा कि आपका बच्चा अगर 6 महीने से छोटा है, तो आपको भी डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि आप ध्यान रखें, बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में फीड जरूर कराएं। नाइट में भी बच्चा बार बार उठ के खुद ही फीड की डिमांड करता है, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपके बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे साइन हैं जिससे आप पता कर सकते हैं क्या मेरे बच्चे का पेट भरा हुआ है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे में इनमें से कोई एक साइन नहीं दे रहा है, तो आप उसको ज़्यादा फीड कराएं, उसको बार बार फीड कराएं। पर्याप्त अगर आपको स्तनपान नहीं करवा पा रही है, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम हो रही है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो किया है, आप वो वीडियो देखें, वो सारे फूड्स खाएं और बच्चे को इस तरह की हेल्दी डाइट लें ताकि आपके बच्चे को पूरी तरह से स्तनपान मिल सके। अब एक स्टेज आ जाती है जब आप पूरी तरह से हेल्दी डाइट ले रही हैं, आपका बच्चा लेकिन पेट भर के दूध नहीं पी पा रहा है या बच्चे का पेट नहीं भरा हुआ, तो वो कौन कौन से साइन है जिसमें आपको वाकई डॉक्टर की ज़रूरत है? तो फ्रेंड्स इसमें कई साइन होते हैं,
जैसे कि आपका बच्चा रात को 3-4-5-6 घंटे तक नहीं उठता है और फीड करने की डिमांड नहीं करता है, यानी कि वो रोता नहीं है और वो सोता ही रहता है 7-7-8-8 घंटे तक, 6 महीने से छोटा बच्चा है, इसका मतलब आपको एक बार डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे का पेट भी नहीं भर रहा है और बच्चा सुस्त हो रहा है, यानी कि उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही है, नहीं तो बच्चा 2-3 घंटे में उठता ही है। दूसरी चीज़, बच्चा डाइपर मतलब यानी कि बच्चा डाइपर में सुसु 6 बार से भी कम कर रहा है, तो और लगातार कॉन्स्टेंटली आप फीड करा रही हैं, आप हेल्दी फूड ले रही हैं, उसके बाद भी बच्चा सुसु 6 बार से कम कर रहा है, तो आप डॉक्टर से मिलें। इसके अलावा आप ध्यान रखें, अगर आपके बच्चे के सुसु का कलर डार्क रेड हल्का सा रेडिश या फिर पिंक यानी कि गुलाबी से कलर का आ रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं। इसके अलावा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तब, और आपने 2-3 महीने तक उसको अच्छे से फीड करा रही है, 2-3 महीने छोड़िए, 10-8 दिन भी आप कोशिश करिए बच्चे को अच्छे से दूध मिले, और फिर भी बच्चा रो रहा है, सुसु भी सही से नहीं जा रहा है, तब भी आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। तो फ्रेंड्स, ये को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल मेरे साथ बने रहिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय।